इंसान ना भूल गया है इंसानियत, जिस माँ ने हमारे लिए सब कुछ किया। माँ, केवल माँ नहीं बाप, माँ और बाप ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान है संतान के पालन में। माँ, एक माँ होती है जो रात रात जागती है बच्चे को सुलाने के लिए, एक माँ होती है जो बच्चे के कपड़े बार बार बदलती है, बच्चा छोटा सा कपड़े पे ही मलमूत्र करता है, बिना घिन किए बिना नाक पकड़े बच्चे का मलमूत्र धोती है माँ। उसे कोई बदबू के कारण वो आपसे नफरत नहीं कि नहीं जी अब ये कौन गंदगी साफ करेगा, नहीं। माँ ईश्वर का अंश है। आप एक बात बताओ, जितना आप अपने बच्चे का करती हो क्या किसी दूसरे के बेटे का इतना करोगी? आप नहीं करती ना। एक स्त्री भी केवल अपने बच्चे का करती है, दूसरे का नहीं करती। दूसरे का किसी मजबूरी है कभी तो करती भी है, लेकिन 99% सिर्फ अपने बच्चे का करती है वो। क्यों? क्योंकि जब स्त्री के पेट से बच्चा बाहर आता है तो केवल बच्चा ही नहीं आता, उस समय कोई और भी आता है, जानते हैं आप। अच्छा बताओ मैया, आप जब आप सिर्फ पत्नी थी, मां नहीं थी तब, और जिस दिन आप मां बनी, तो मां बनते ही आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज थी, कौन सा बदलाव था जो आया, जो बच्चा पैदा होने के पहले नहीं था और होने के साथ ही आ गया, वो क्या था बताओ? क्या था? हाँ हाँ हाँ, माँ के अंदर बच्चा पैदा जब नहीं होता, एक स्त्री जब माँ नहीं बनती तो उसके अंदर उस तरह से ममता नहीं होती, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस स्त्री के अंदर ममता जाग जाती है उस बच्चे के लिए। ये जो ममता मई है ये वो स्त्री नहीं है, ये ममता कौन? भगवान ही उस ममता मई माँ के रूप में प्रकट हो गए हैं। अब ये ममता के रूप में ये माँ, अब वो पहले वाली स्त्री नहीं रही, अब ये भगवान में तब्दील हो गई है, अब इसके आचरण भगवान वाले हो गए हैं। अब इसके आचरण कैसे हो गए हैं? भगवान वाले। भगवान जितना दयालु होता है, लड़कियां, आप किसी और बच्चे को लड़कियों को दे दो, कहो कि रात भर सुलाना इस लड़के बच्चे को अपने साथ, जरा छोटा सा है दो एक महीने का, कोई लड़की नहीं सुला सकती। लेकिन वही लड़की जब मां बनेगी, क्योंकि अभी उसके अंदर ममता नहीं है, वो जबरदस्ती सुला रही है, मजबूरन है, तो वो अलग विषय है। लेकिन वो जो नेचुरल ममता वाली बात होगी वो बात नहीं आएगी, हाँ या ना? वो तब ही आएगी जब कोई माँ बनेगी। माँ, क्योंकि माँ जब बनती है तो उसके अंदर जो ममता जागती है, जो ममता आती है, वो ममता के आते ही भगवान उस ममता के रूप में उस स्त्री के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और वो माँ, वो स्त्री जो पत्नी थी, अब वो पत्नी से किसी बच्चे की माँ बनती है। और जब जन्म होता है बच्चे का, तो सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं, एक माँ का जन्म होता है, और वो माँ ईश्वर है।